हैं आपका साथ, मैं हूं राजीव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिंदी पर मचे सियासी महाभारत से। सरकार ने गृह मंत्रालय में हिंदी में कामकाज का फरमान क्या सुनाया, क्षेत्रीय पार्टियां विरोध में उतर आई हैं। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उमर ने कहा, भारत कई भाषाओं का देश है, ऐसे में किसी एक भाषा की हिमायत करना सही नहीं, एक भाषा को थोपना मुमकिन भी नहीं है। देखिए, हमारी रियासत में हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो दो हैं, उर्दू है और अंग्रेजी है। हम तो अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते रहेंगे ना। जो हिंदी इस्तेमाल करना पसंद करें वो करें, लेकिन हमारा मुल्क इतना बड़ा है, आप एक मजहब, एक जबान, एक तरह जो है लोगों पर ठोस नहीं सकते हो। जो लोग हिंदी इस्तेमाल करना चाहें वो करें, जिन लोगों की मातृ जबान कोई और है वो दूसरी जबान इस्तेमाल करें। तो हिंदी पर पहुंचे महाभारत के बाद ये स्थिति है। सरकार की तरफ से हिंदी में कामकाज करने का फरमान सुनाया गया। ये कहा गया कि हिंदी देश की राजभाषा है, लिहाजा सरकारी अधिकारी हिंदी में कामकाज को प्राथमिकता दें। वहीं करुणानिधि का एतराज सामने आया। उन्होंने कहा कि ये एक भाषा को थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हिंदी के खिलाफ छिड़े इतिहास में छिड़े आंदोलन की याद भी दिलाई और कहा कि इस तरीके से भाषा थोपी नहीं जा सकती। और साथ ही उमर अब्दुल्ला ने करुणानिधि के बाद इस पर अपनी बात रखी और ये कहा कि जो करना चाहते हैं इस्तेमाल वो करें, हम अपनी आधिकारिक भाषाओं में चलते रहेंगे। तो इस सारे मुद्दे पर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा वो सुनते हैं। हिंदी को प्रोत्साहन या प्राथमिकता, राष्ट्रभाषा का सम्मान है, अंग्रेजी का अपमान नहीं है। इसलिए अगर उसे अंग्रेजी का अपमान समझा जाए और राजभाषा के सम्मान को रोका जाए तो ठीक नहीं है। यह पूरा विवाद जब शुरू हुआ, जब गृह मंत्रालय ने अपने सभी कामकाज हिंदी में करने का फरमान सुनाया। गृह मंत्रालय का कहना है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया, लेकिन सरकार का यह फैसला कई पार्टियों के गले नहीं उतर रहा। अगर आप मुझे कामकाज हिंदी में करने का फरमान सुनाया गृह मंत्रालय का कहना है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया, लेकिन सरकार का यह फैसला कई पार्टियों के गले नहीं उतर रहा। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अंग्रेजी में सवाल ये जवाब करूं, क्योंकि दिस इज अ सेंसिटिव मैटर। मामले को संवेदनशील बताकर अंग्रेजी में जवाब देने का यह तर्क विदेश मंत्रालय में तो चल सकता है, लेकिन गृह मंत्रालय के अधिकारियों को इस तरह की दलील से बाज आने को कह दिया गया है। ये खबर पूरे दिन चर्चा में रही, इसे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पुख्ता किया। हमने ये कहा कि हिंदी का जो प्रमोशन है, क्योंकि वो हमारा राज्य भाषा है, तो राज्य भाषा होने के नाते हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ावा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री ने दो टूक कहा कि नई सरकार हर विभाग में हिंदी को बढ़ावा देना चाहती है और कामकाज के साथ ही बोलचाल में भी इसका इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है। लेकिन इस पर डीएमके प्रमुख करुणानिधि भड़क गए। डीएमके ने ऐलान कर दिया कि वो इसे गैर हिंदी राज्यों पर हिंदी को थोपने की कोशिश मानती है और इसका विरोध करेगी। सो हिंदी कैन नॉट बी थ्रस्ट ऑन एनी स्टेट व्हिच डू नॉट स्पीक हिंदी। माहौल गरमाने के बाद किरण रिजिजू एक बार फिर सामने आए और उन्होंने इस पर सफाई दी। हिंदी बिल्कुल अनिवार्य है, सबको हर स्टेट में, हर डिपार्टमेंट में हिंदी ही लागू होना चाहिए। इस तरह का कोई निर्देश हमारे यहाँ से नहीं गया है, तो इस तरह का अगर कोई खबर चला है तो वो गलत बात है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार किसी क्षेत्रीय भाषा को कमतर नहीं मानती और हिंदी को बढ़ावा देने का काम इन भाषाओं को पीछे करके नहीं होगा। संजय शर्मा के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।